देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया आज तक टीवी लाइव और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिनभर की खास बड़ी खबरों। उद्योग व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के मुख्य कार्यालय तिलक नगर कॉलोनी पर बैठक का आयोजन किया गया। रामपुर में जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप अग्रवाल सोनी ने बताया कि जनपद रामपुर में बेरोजगारी की इस स्थिति में सुधार करने के हेतु रोजगार के भारी भरकम आवश्यक जनपद रामपुर में उपलब्ध कराने हेतु एक विशेष औद्योगिक जोन की स्थापना की जाती है और आवश्यकता है कि इसके लिए बिलासपुर एवं स्वाग तहसील की सीमा से जुड़े हुए वन विभाग की लगभग 2200 हेक्टेयर भूमि से भी ज़्यादा भूमि खाली उपलब्ध है, जिसमें समस्त सुविधाएं व समस्त स्कीमों से युक्त औद्योगिक जोन की स्थापना हो सकती है। साथ ही रामपुर शहर में बंद पड़ी राजकीय चीनी मिल पुनः शुरू करने की कवायद है और अति आवश्यक है, जिसने लाखों लोगों को रोजगार के साथ ही जनपद के किसानों को भी जबरदस्त आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। इस अवसर पर व्यापार मंडल के द्वारा जनपद रामपुर में आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने हेतु एक विशेष औद्योगिक जोन करने की स्थापना व चीनी की मिल शुरू करने के आदेश जारी करने की मांग की है। इस अवसर पर रामनिवास पाल, सलविंदर विराट, सरदार मनजीत सिंह, सिंपल महफूज, हुसैन पुलकित अग्रवाल, चेतन शर्मा, लालमन सैनी, राहुल सैनी, वीरेंद्र चौरसिया, हेमंत बंसल आदि उपस्थित रहे। मीडिया प्रभारी अमित गुप्ता, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल जिला रामपुर उत्तर प्रदेश। देखते रहिए इंडिया आज तक टीवी लाइव के माध्यम से शहर की हर छोटी बड़ी खबर और दिखाते रहेंगे और बने रहिए आप हमारे साथ डॉक्टर नासिर सूरी की खास। यहाँ का 50% परिवारों से कोई ना कोई बच्चा बाहर देश में या विदेश में किसी कोने में नौकरी के लिए, रोजगार के लिए भागा भाग है। ऐसी पलायन की स्थिति में जब यहाँ की जनता बेरोजगारी से परेशान हो रही थी, रोजगारी के लिए तड़प रही थी, रिक्शाओं की अंबार तक की जगह जगह रिक्शाओं की लाइन लगी है, व्यक्ति के पास अपनी रोजी रोटी पालने के लिए क्या तो ठेला, ठेले में सब्जी और फल बेचने को मजबूर है और सब्जी ठेला नहीं चला रहा तो रिक्शा चलाने को मजबूर है। जब ऐसी विषम परिस्थितियाँ रामपुर की जनता के पास मौजूद थी तो उसको देखते हुए हमने यहाँ पर उद्योग को लगाने का मिशन लगाया। जिला उद्योग केंद्र के उपायुक्त महोदय को ज्ञापन दिया है, उनको अवगत कराया कि यहाँ पर उद्योग लगना बड़ा आवश्यक है। 1000 बड़े उद्योगों का सिरपुर स्थापित होना जनता रामपुर की फरजानी पर अति आवश्यक है। स्वाद तहसील और बिलासपुर तहसील और चंबलवा के बीच में वन विभाग की टीम जनबल के पास में 2200 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि खाली पड़ी है, जिस पर यह बड़ा सिरपुर औद्योगिक जोन स्थापित हो सकता है, जिसके अंदर 1000 बड़े उद्योग स्थापित हो सकते हैं, जिससे पूरे भारत देश के बड़े बड़े उद्योगपति आने के बाद रामपुर जनपद आने के बाद उद्योग लगातार बढ़ा सकते हैं, जिसके अंदर 10 साल का एग्जेंशन मिलेगा एक्साइज में, फैक्टर्स में, GST और सारी छूटें मिलेंगी। इसे माननीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश को विकास की तरफ लेके जा रहे हैं और देश के ईमानदार और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो औद्योगिक विकास की तरफ प्रदेश को लेके जा रहे हैं, उनसे हमने मांग भी करी है। मेरे पास साक्ष्य मौजूद है जिसके अंदर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिला उद्योग केंद्र रामपुर के लिए उसको अग्रफारित कर दिया है इस बात के लिए कि वो उसमें रिपोर्ट बना करके कार्रवाई करके उसकी रूपरेखा तैयार करें। जिला उद्योग केंद्र में ये लेटर आ चुका है माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का। अच्छा, देखिए हमारे लोगों को रोजगार मिल गया, आपकी सोच में जो राज्य नेताओं ने उद्योग समाप्त कराए उनकी सोच और थी और हमारी सोच और उनकी, जिन लोगों ने उद्योग समाप्त कराए उनकी सोच ये थी कि जब सारे के सारे यहाँ की आवाम गरीब जनता जब उद्योगों में लग जाएगी तो नारा कौन लगाएगा हमारे पीछे, जुलूस में शामिल कौन होगा हमारे पीछे। हमारी सोच दूसरी है, हमारी सोच ये है कि जब तक सांस है जब तक शमशान घाट नहीं जाएंगे सेवा करते रहेंगे, लोगों की सेवा करना ही हमारा परम धर्म है। हमारा काम है कि रोती हुई जनता पे आंसू पोंछना, तड़प रहे व्यक्ति की आंसू पोंछना और जो व्यक्ति अपने परिवार में का पालन पोषण करने के लिए तड़प रहा है, बच्चों की फीस जमा नहीं कर पा रहा है, अपने बीमार माता पिता का इलाज कराने के लिए उसके पास 500 रुपये नहीं है, ऐसी तड़प की स्थिति में जनता रामपुर की जनता परेशान हो रही है। इस मामले को देखते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समस्या से अवगत कराया। अभी भी मैंने परसों भी माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ट्विटर पर ट्वीट भी किया है कि रामपुर जनपद में और रोगी जोन पर स्थापित किया जाना अति आवश्यक है।